हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है जितिया का पर्व, जितिया। तो मॉर्निंग में ही 3 बजे उठ के सरगही खा रही हूँ यहाँ पे। तो सरगही में है पुआ, जितने बच्चे होते उतना पुआ लेना होता है। तो यहाँ पे मैं एक पुआ ले लूँगी, और कहते हैं ना कि एक पुआ बढ़ा के खाया जाता है बढ़ोतरी के लिए, वंश बढ़ोतरी के लिए। तो मैं यहाँ पे 2 पुआ ले कर रखी हूँ। इलेक्ट्रिक पाउडर जो बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक पाउडर मैं लेती हूँ। ये पानी पूरा बोतल मैं पानी पी गई थी, एंड एक कप चाय भी लेके आई हूँ। तो यहाँ पे खाया तो नहीं जाता है, पर धीरे धीरे करके बिल्कुल आँख भी नहीं खुल रहा था, नींद लग रहा था। सुबह का नींद तो सबको बहुत ही मतलब प्यारा होता है ना। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके सारा चीज़ मतलब पुआ खाई, चाय पी, एंड इलेक्ट्रिक पाउडर भर के पी ली थी। बेटा का तबीयत ख़राब हो गया था, रात में फीवर आ गया था। देखो मेरा बेटा ट्यूशन नहीं गई है इसीलिए। मैं तबीयत ख़राब हो गया था तो हम ट्यूशन नहीं गए, तो इसी हमको दवाई पीना पड़ा। मेरे प्यारा प्यारा बेटा, मेरे छूनो छूनो बेटा, मेरे छूनो छूनो छुटकू बेटा मेरा। और बाल पर खेल रहे, बाल से खेलो ये। अच्छा बाल बड़ा कर दे तुम्हारा बेटा। हाँ देखो देखो, टिन टिनी 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 टिनी, देखो 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 कितना बड़ा बाल हो गया मेरे बेटा का। देखो टुई 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 टुई, मेरा बेटा का बाल देखो, है ना। श्रेयांशी को ना बड़े बाल का बहुत ज़्यादा शौक है। उसको मुंडन के कारण ना टकला होना पड़ गया था, इसलिए अभी उसका हेयर छोटा है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है, जो कुछ इस तरीके का व्यू है। 4 बजे उठना पड़ गया था क्योंकि खाना बनाना होता है। एंड ये देखिए 6 बजे का क्लिप मैं बाद में ली थी, और इस तरीके का कुछ मौसम कर रखा था। और नवरात आते आते रांची में मौसम बिल्कुल ठंडा सा हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से बादल सा लगा हुआ था। एंड यहाँ पर खाने में बनाई थी कुसी किराए का, जो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ, इसमें फिर पानी डाल के कुकर में डाल दूँगी। एंड यहाँ पे कंद का सब्जी है, और इसमें भी पोई का पत्ता और ये सतपुतिया जो होता है ना, इसी में काट के मैं डाल दी थी, और अलग से नहीं बनाई थी, मैं इसी में डाल दी थी। ये नोनी साग और पोई का जो पत्ता होता है उसका पकौड़ी बनाने के लिए रखी हूँ। एंड ये फाइनल मेरा थाली तैयार हो गया है, चावल और कुसी किराए का झोट, कंद का सब्जी और मड़ुआ का रोटी भी ज़रूरी होता है, तो वो रोटी है। एंड यहाँ पे 2 पकौड़ी लेके बैठी हूँ, और ये मैं मॉर्निंग में खाना खा रही हूँ। 6:30 बजे मैं खाना खा ली थी। और खाना खाने से पहले ना वो किया जाता है, केराई जो होता है ना उसको मतलब निगला जाता है दूध के साथ, तो वो मैं कर ली थी। और ये श्रेयांशी भी पीछे अभी सो ही रही है, और मैं भी खाना खा के और चाय पी थी थोड़ा एक कप, एंड उसके बाद थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर ली थी। खाना खाने के बाद थोड़ा ना वीकनेस ज़्यादा होने लगता है, तो यहाँ पे मैं खाना खा लूँगी पूरा कंप्लीट अच्छे से, एंड उसके बाद चाय पी के थोड़ा सा रेस्ट कर ली थी। एंड उसके बाद मैं श्रेयांशी को ट्यूशन पहुंचाने चली गई थी 10:30 बजे, एंड फिर वापस 12:30 बजे उसको वापस लाने भी जाना है। तो 2-3 दिन के लिए मुझे ही करना पड़ेगा, ऐसे ये रहते हैं तो मुझे ये टेंशन नहीं रहता है श्रेयांशी को पहुंचाने का। हेलो एवरीवन, फाइनली मेरा जितिया व्रत कंप्लीट हो गया है अच्छे से। और कुछ इस तरीके का माला होता है, जितिया माला इसे बोलते हैं। ऐसे तो गोल्ड का भी लोग बनवाते हैं, पहनते हैं, लेकिन मेरे पास अभी गोल्ड का नहीं है, तो बस इस धागे से ही काम चलाती हूँ। जितने बच्चे होते हैं उस तरीके से ऐसे गांठ बने होते हैं, तो
इस तरीके का कुछ माला होता है, वो मैं सुबह में मॉर्निंग में पहनी थी और पूरा दिन मतलब अच्छे से रह गया मेरा। पिछले बार थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, वीकनेस ज़्यादा हो गया था, लेकिन इस बार अच्छे से रह गई। मैंने बोला था ना, इलेक्ट्रिक पाउडर जो होता है ना, उसको पीने से पूरा दिन अच्छे से रहता है फास्ट में। तो मैं हमेशा फास्टिंग से पहले वो ले लेती हूँ, ताकि मैं, क्योंकि मुझे बीपी लो का भी प्रॉब्लम है और थोड़ा सा वीकनेस आ जाता है फास्टिंग करने से। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मैं सारे व्रत कर लेती थी, शुक्रवार का, बृहस्पतिवार का भी व्रत करती थी, सोमवारी वगैरह सब कुछ अच्छे से करती थी, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब प्रॉब्लम होने लगा है, वीकनेस, बीपी लो होने लगता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक पाउडर जो है मॉर्निंग में ही घोर के सुबह में पी लेती हूँ, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो कुछ इसी तरीके से हमारे बिहार में मनाया जाता है जितिया का पर्व। जैसे कि जितने बच्चे होते हैं उतना सुबह में पुआ खाया जाता है, एंड पूरा दिन बिना ब्रश किए हुए, ब्रश भी मैं पूरा दिन नहीं की थी, बस शाम में नहा के और फ़ोन से ही मैं कथा सुन ली थी, क्योंकि पूजा करना नहीं था, तो इसीलिए मैं सिर्फ फ़ोन से कथा सुन ली थी। और उसके बाद फिर मॉर्निंग में सारे खाने जो बनाने होते हैं, जो मेन मेन होता है, वो खुशी कराई का झोर होता है, पोई का पत्ता जो होता है उसमें डालना ज़रूरी होता है, एनोनिया साग, सतपुतिया वगैरह, और कंद का सब्जी, चावल, ये सब होता है जो पहले दो पत्तों में डाला जाता है। सबसे पहले ऊपर जाके मैं छत पे चीर और सियार को, मतलब बोला जाता है कि उनके लिए खाना रखना पड़ता है छत पे जाके, या फिर छज्जे पे कहीं भी बालकनी में आप रख सकते हो। तो उसी तरीके से मैं पत्ते पे, दो पत्तों पे दो जगह खाना निकाल के और पानी जाके ऊपर छत पे रखाई, और उसके बाद लास्ट में मैं खाना खाई। तो कुछ इसी तरीके से हमारे बिहार में जितिया का पर्व मनाया जाता है। तो बस इतना ही था आप आज के लिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़, इतने सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो है, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।